तो हम पहले, आज क्योंकि पूर्णिमा है इसलिए हम थोड़ा सा 10 मिनट बुद्ध धम्म संघ के गुणों का वर्णन करेंगे। आप सभी इन गुणों को स्मरण करते हुए, अगर आप इन तीनों बुद्ध धम्म संघ के गुणों का स्मरण करेंगे तो आपका ब्रह्म उपनिषद भी हो जाएगा, है ना। अभी तो सुशील है, अष्टांग उपनिषद चल ही रहा है, पर इसी के साथ बुद्ध धम्म संघ के गुणों को याद करेंगे और अपने चित्त में प्रीति, अपने मन में आनंद उत्पन्न करेंगे, अपने मन को शांत करेंगे तो आपका ब्रह्म उपनिषद भी साथ में हो जाएगा, ठीक है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुदस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुदस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुदस्स। पहले पुष्प पूजा। वन्न गंधा गुणोपेतं कुसुम संतति पूजयामि मुनिन्दस। सिरिपादसरुरुहे पूजयामि बुद्धं कुसुमेन पुयेन मे तेन लभमिमुखं पुष्पमिलायति यथाइदं मे कायो तथा यातिविनाशभावः। गन्धसम्भारयुतेन धूपेनाहं सुगन्धिना पूजये पूजनीयन्तं पूजाभाजनमुत्तमं सुगन्धिकाय वदनं अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिनाहगन्धेन पूजयामि तथा ततं घनसारपदीपेन दीपेन तमघंसिना तिलोकदीपसम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं बुद्धधम्मचसंघं सुगततनुभवं धातुर्धातुगर्भे लङ्कायजम्बुदीपेति दशपुरवरे नागलोके चथूपे सवे बुधा सबिम्बे सकलदशदिशे केशलोमादिधातु वन्दे सवेऽपि बुधम् दशबलतनुजनं बोधिचेति यां नमामि वन्दामि चेति यां सर्वठानेषु पतिष्ठिता शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा यः समूले निसिन्नु वा स वाणी विजयं कका पातु सभयुतां सतां वन्दे तं बोधिपादपं इमे हे ते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पिते नमस्सामि बोधिराजानम् थुते बोधिराजानमुथुते बोधिराजानमुथुते।
पठमं बोधिपालकं द्वितीयं चंगानी मुचलिन्देन चट्टमं सत्तमं राजायतनं वन्दे तं मुनिसेवितं महादयो महासतो बोधिमूलेन सिन्धयि पञ्चमारे पराजयित्वा पतो सम्बोधिरुत्तमम् इति पीसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विजयचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदुः अनुत्तरो पुरी स धम्मसारथी सत्था देवमनुसनं बुद्धो भगवान् बुद्धं जीवितपर्यन्तं यावनिबाणं शरणं गच्छामि ये च बुद्धा अतीता च ये च बुद्धा अनागता पाशुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा नाथि मे शरणं नयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सजवाजेन होतु ते जयमङ्गलं उत्तमङ्गेन वन्देह पादपंसुवरुत्तमं बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तं मम यं किञ्चिरतनं लोके बीजति विविधा पुतु रतनं बुद्धसमानथी तस्मा सोते भवन्तु ते यो सानिसिन्नु वरबोधिमूले मारं ससेना महते विजित्वा सम्बोधिमागच्छि अनन्तन्यानु लोकोत्तमोत्तं प्रणमामि बुद्धं स्वाखातो भगवता धन्यं सन्तिष्ठिको अकालिको एहि पासिको ओपनायिको पचतं वेदिता भुवि धम्मं जीवेत्तपर्यन्तं शरणं गच्छामि ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मानागता पाशुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा नाथि मे शरणं नयं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सजवाजेन
विजति विविधा पुतु रतनं धाम समानति तस्मासोति भवन्तु ते सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अठपुरिसपुगला एष भगवतो सावकसङ्गो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुञ्यं खेतं लोकसाति संघं जीवितपर्यन्तं यावनिबाणं शरणं गच्छामि ये च संघा अतीता च ये च संघा अनागता पाचुपन्ना च ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा नाथि मे शरणं अयं सङ्घो मे शरणं वरं एतेन सजवजेन होतु ते जय मङ्गलं उत्तमङ्गीन वन्देह सङ्गं चन्ति विधुत्तमं सङ्घेयो खलितो दोषो सङ्घो खमतो तं यं किञ्चिरतनं लोके विजति विविधा पुतु रतनं सङ्घसमानाथि तस्मासुति भवन्तु ते साधु। रतनंतया वंदना। सभी 25 बुद्ध श्रावक धम्म और संघ को वंदन करेंगे हम इसमें। नमामि बुद्धं गुणसागरं सत्ता सदा हुन्तु सुखी अबीरा कायो दिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सब्बे मरणं अचं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं सत्ता सदा हुन्तु सुखी अवीरा कायो दिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सब्बे मरणं अचं नमामि संघं मुनिराजसावकं सत्ता सदा हुन्तु सुखी अवीरा कायो दिगुच्छो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सब्बे मरणं अहं च
नमामि पच्चेक बुद्धं विशुद्धं सत्ता सदा हुन्तु सुखीय वीरा कायो दिगुच्छो सकलो दुगंधो गच्छन्ति सब्बे मरणं अहंचं साधु साधु साधु। तो इसी प्रकार से आज हमने बुद्ध धम्म संघ के गुणों को याद किया, उनकी धूप दीप वंदना से अंजलि की, और इसी प्रकार बुद्ध धम्म संघ और पच्चे बुद्ध को स्मरण किया। तो बच्चों, जिस प्रकार से आप उपासक हैं इसलिए आप लोग वर्ण गणना से शुरू करते हैं, और अगर भंते अगर वंदना शुरू करते हैं तो इति पीसो से शुरू करते हैं। अगर आपने देखा होगा, अगर आप नागपुर में कभी गए होंगे तो नागपुर में अलग अलग तरीके से कई किसी कहीं कई जगह पे वंदना शुरू होती है, तो पहले इति पीसो शुरू होता है और उसके बाद बुद्ध धम्म संघ वंदना होने के बाद क्या होता है कि वर्ण गंध की वंदना होती है। पर कहीं किसी किसी विहार में पहले वर्ण गंध की वंदना होती है और उसके बाद क्या होती है इति पीसो बुद्ध धम्म संघ की वंदना। तो जब भिक्षु शुरू करता है तो इति पीसो शुरू करता है, अगर भिक्षु वंदना कर रहा है तो, क्योंकि उसका प्रथम उद्देश्य बुद्ध धम्म संघ के गुण होते हैं, पर क्योंकि उपासक कर रहा है तो उपासक पहले वर्ण गंध मतलब पहले पुष्प से उनकी पूजा करता है, बाद में बुद्ध धम्म संघ के गुणों को स्मरण करता है। तो स्पेशली आप लोगों के लिए किया इसलिए हमने वर्ण गंध शुरू किया, ठीक है। उसका अर्थ बहुत प्यारा है, कभी मुझे समय मिला तो मैं एक एक गाथा को ऐसा विस्तार समझाऊंगा, क्योंकि बहुत ही अद्भुत गाथा है धम्म वंदना की, है ना। तो सो इसी प्रकार आप सभी को सबसे पहले आज इस पूर्णिमा की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। देखो बच्चों, आज की जो पूर्णिमा है बहुत विशेष स्थान रखती है उपासकों आपके लिए, है ना, ठीक है। क्यों आपके लिए महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि जिस प्रकार से हिंदू समाज में दिवाली का जो महत्व है, जो दिवाली का जिस प्रकार से लोग धूमधाम से मनाते हैं, तो वही महत्व आज आपके लिए है, उपासकों के लिए, भिक्षु ज्यादा आप लोगों के लिए इस पूर्णिमा का बहुत महत्व है। तो आज का लेक्चर शुरू करने के पहले मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि आज फिर आप लोग घर में क्या बनाए, कुछ बना खास खाने में, कुछ खास बना? पूरन पूरी और पूरन पूरी बनी है या कल होली है इसलिए पूरन पूरी बनी है, बताओ। मेरे घर में लेकिन आप तो शाम में भी खा नहीं सकते, तो क्या फायदा पूरन पूरी का बनाने का, खीर। तो बच्चों आज के दिन भी आप लोगों ने घर पे बहुत प्यारे प्यारे पकवान बनाने चाहिए, बहुत सारे, है ना। और वो सारे पकवान ऐसे बुद्ध के सामने छोटे छोटे बर्तनों में ऐसा रखना चाहिए और ऐसे पकवानों से पूजा करनी चाहिए आज के दिन घर पे। तो आज ही अगले साल जब ये फाल्गुन पूर्णिमा आएंगी तो इसी प्रकार से मस्त पकवान बनाना, ऐसे तरह तरह के, पहले तो छोटी छोटी थोड़ी छोटी मात्रा में बनाना, जिस प्रकार दिवाली मनाते हैं ना आप लोग पहले, है ना, पहले आप लोग सभी लोग दिवाली में बनाते थे। तो दिवाली में हिंदू लोग क्यों मनाते हैं, क्योंकि राम घर पे वापस आए थे इसलिए वो लोग दिवाली मनाते हैं, है ना। तो हमारे जो बुद्ध तथागत गौतम बुद्ध है ये वापस अपने नगरी में, जिस कपिल वस्तु को उन्होंने 6 वर्ष पहले छोड़ा था, है ना, 6 वर्ष पहले जिस कपिल वस्तु को छोड़ा, अपनी नगरी को, अपनी जन्मभूमि को जो छोड़ा था, वो 6 साल के बाद अपने नगरी में क्या आए थे, तथागत गौतम बुद्ध वापस आए थे। तो ये सिर्फ उनके नगरी में वापस आना नहीं है, अगर इसको हम चिन्हित करना करना करेंगे, अगर इसको अगर हम सिंबॉल के रूप में देखेंगे तो ये समाज के लिए भगवान का वापस आना हुआ। ये इसी से फिर समाज में भगवान बुद्ध का धर्म बताना क्या हो गया, शुरू हो गया। ये सिर्फ उनके घर में वापस आना नहीं होना है, ये समाज में वापस आना है। ये एक प्रतीक है कि अभी धर्म में, अभी गृहस्थों के लिए धर्म धर्म शुरू हो गया, सामाजिक रूप से, सामूहिक रूप में गृहस्थों के लिए, क्योंकि हम जो कालावधि है भगवान बुद्ध की बुद्धत्व प्राप्ति के बाद से लेकर अगर हम इस फाल्गुन पूर्णिमा तक का देखें, तो ज्यादातर अगर हम देखते तो भिक्षु लोग ही प्रवर्जित हुए इस कालावधि में, इस 6 महीनों में, 6 महीनों में, 4 महीनों में बोल सकते हो, या 4-3 महीनों में, ज्यादातर भिक्षु बड़ी संख्या में क्या हुए, प्रवज्जित हुए इस कालावधि में। उपासक भी हुए पर बड़ी संख्या में नहीं हुए, बड़ी संख्या में नहीं। तो ये जो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब यहाँ पे वापस आए भगवान बुद्ध अपनी गृह नगरी में,
तो इसमें देखते कि भारी मात्रा में लोगों को धर्म सुनने के लिए मिला। यशोधरा जो की पत्नी थी, उनके जो वचन था उनके वस्तु पे भी आए वो। तो इसलिए ये जो है ये पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है हम आप सभी उपासकों के लिए। तो जिस प्रकार भगवान वापस आ रहे हैं तो वो वापस सिर्फ कपिल वस्तु में हम बोल सकते हैं, पर हमारे पूरे समाज में के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए भी हमने क्या अच्छा इसी इस प्रकार जानना चाहिए कि आज के दिन भगवान आए, तो इसलिए हम उसी उद्देश्य में घर पे आपने आप इस प्रकार इमेजिन कीजिए कि आज भगवान मेरे घर पे आ रहे, तो आज भगवान नहीं है तो भिक्षु को बुलाइए, अगर भिक्षु नहीं है तो भगवान के सामने जो मूर्ति है उसके सामने में मन में कीजिए कि मैं जो भी कोई आज सत्व होंगे वो सभी आज मेरे सभी सत्व इस आनंद में शामिल हो, उन सभी सत्वों के लिए मैं ये आहार रख रही हूँ, ये तरह तरह के पकवान रख रही हूँ, प्रेत योनि से लोकर नर्क से लेकर इवन जो अरहंत भी होंगे जो भी कोई उनके लिए भी मैंने ये भोजन रखा है। तो जो भी अरहंत होंगे जो भी सत्व होंगे देवताओं में भी जो स्वतापति स्वतापति अवस्थाओं को प्राप्त होंगे ऐसा हर एक एक को याद करो, पहले मनुष्य लोग से लेकर फिर देव योनि चतुर महाराज जी, फिर ऐसे देव योनि में एक एक योनि में जो जो कोई स्वतापति प्राप्त होगा फल सुवर्णगामी फल प्राप्त होगा तो वो भी इस मेरे पुण्य में इस भोजन में क्या होंगे सहभागी हो, फिर शुद्धावासा ब्रह्म लोग के जो अनागामी है वो भी सत्व इसमें क्या हो। तो ऑफकोर्स बुद्ध के लिए करें सम्यक दृष्टि हो रही है तो कहीं ना कहीं उनके साथ तो आपका पुण्य थोड़ा मैच होगा, वाइब्रेशन मिलेंगी तरंगे मिलेंगी। तो ये एक बहुत एक एक आनंद का है, उत्साह का है, आपने इसको अच्छी प्रकार सेलिब्रेट करना चाहिए आज, है ना। तोरण लगाने चाहिए घर में अपने, तो विहार में तोरण लगाने चाहिए अपने, तो ऐसा एक बहुत एक एकदम एक एक जो संगीत है उसको अच्छा बजाना चाहिए, जो क्लासिकल जो हम बोलेंगे उसको, तो ये होना चाहिए एक एक पूरा घर में ऐसा फील होना चाहिए कि आज का तो क्या है बहुत बड़ा है। तो आप लोगों का दिवाली दशहरा है ये एक तरीके से, है ना। तो आज की जो पूर्णिमा है, आज की पूर्णिमा की क्या क्या विशेषता है, आज की पूर्णिमा की फाल्गुन पूर्णिमा अगर भारत के हिसाब से देखें तो आज फाल्गुन पूर्णिमा है, तो भारत के हिसाब से क्या होगा तो आज के दिन क्या क्या हुआ है। आज पूर्णिमा के दिन सबसे पहले बुद्ध अपनी नगरी कपिल वस्तु में क्या आए थे, वापस आए थे। दूसरी बात, आज ही इसी पूर्णिमा में क्या हुए थे, राहुल वगैरह की भी क्या हुई थी, दीक्षा हुई थी, है ना। तो थाईलैंड के हिसाब से अगर आप देखोगे तो माघ पूजा जो है ना इस पूर्णिमा में होती है, जबकि वो उस पूर्णिमा में होनी है जो पहले जो पूर्णिमा चले गए ना, पहले की जो पूर्णिमा जिसे हम संघाडे बोलते हैं, है ना, जो भी पिछली जो पूर्णिमा गई वो माघ माघ पूर्णिमा थी, वो माघ पूर्णिमा थी, लेकिन थाईलैंड में माघ पूजा इस पूर्णिमा को मनाई जाती है। अब पता नहीं उसका रीजन, हमें पता नहीं कि उसका रीजन क्यों, पर ट्रेडिशनली चलते आ रहा है कि माघ पूजा इस फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती होगी। तो शायद से वक्त की नक्षत्रों का जो यहाँ पे बहुत अभ्यास होता है अच्छी तरीके से, तो शायद से कुछ होगा रीजन जो इसलिए माघ पूर्णिमा इस पूर्णिमा को मनाई जाती है, जबकि पिछली पूर्णिमा को नहीं मनाते हुए इस पूर्णिमा को मनाते। तो जरूर इस पूर्णिमा कुछ खास महत्व होगा पुण्य के हिसाब से भी, है ना। तो इसलिए आज की पूर्णिमा क्या है, विशेष स्थान रखती है। तो ये बच्चों सबसे पहली बात हम देखते हैं कि ये जो घटना है बहुत प्यारी है। जब भगवान बुद्ध अपने नगरी में वापस आए तो क्या हुआ, इन्होंने आमंत्रित नहीं किया जो उनके पिता है शुद्धोधन ने, दूसरे दिन के भोजन के लिए क्या किया, उन्होंने आमंत्रित नहीं किया बुद्ध को, क्योंकि याचना करनी पड़ती है ना, तो आमंत्रित नहीं किया। तो ये क्या हो गए, ये दूसरे दिन सुबह खुद पूरे अपने नगरी में क्या अपने संघ के साथ पिंडपात, चारिका और पिंडपात दो शब्द अलग अलग है, सुन लो फिर से। चारिका मतलब चलना, घूमना, टहलना, फिरना, इसे कहते हैं चारिका, है ना। चरत, इसलिए भगवान ने कहा चरत भिक्खवे चारिकं, जाओ घूमो धर्म के फैलाव के लिए, वो चारिका। पिंडपात मतलब भोजन के लिए पात्र लेके जब भिक्षु घूमता है उसे कहते हैं पिंडपात, पिंड मतलब भोजन, पात मतलब पात्र में जो गिरता है, तो उससे पिंडपात। तो पिंडपात के लिए क्या हो गए, आज फिर भगवान अपने भिक्खु संघ के साथ चले गए। तो भाई ये तो ये बात राजा शुद्धन में फैल जाती है कि भगवान बुद्ध पिंडपात करे, तो वो बोलता रे अपनी ही नगरी में मेरा पुत्र, क्योंकि पुत्र का प्रेम था, मेरा ही पुत्र अपने ही नगरी में घर घर मांग रहा है भोजन के लिए, तुरंत जाते और तुरंत भगवान का हाथ पकड़ लेते हैं और रुका देते हैं। इसलिए देखो अब जो गोयन का गुरुजी ने जो पेंटिंग्स बनवाए हैं उसमें एक पेंटिंग में एक एक बूढ़ा आदमी क्या भगवान का हाथ पकड़ लेता है पिंडपात करते हैं, तो इसी घटना का है। वो शुद्धनम के हाथ पकड़ लेगा, कहते क्या कर रहे हो तुम, क्यों घर घर मांग रहे हो, तुम्हें क्या कमी है अपनी नगरी में, क्यों मुझे लज्जित कर रहे हो। तब कहते हैं कि रे यह तो हमारी परंपरा है, हमारे वंश में, हमारे
वंश में ऐसा ही होता है, तब कहता है अरे हमारे वंश में आज तक तो हमारे कुल में शाक्य कुल में कभी किसी ने ऐसा पिंडपात नहीं किया, कभी घर घर मांग के खाया नहीं है। तो कहते हैं तुम तो अपने कुल की बात करो, शाक्य कुल के, मैं बुद्धों के वंश की बात कर रहा हूँ। आज तक जितने भी बुद्ध हुए उन सभी बुद्धों ने अपने नगरी में क्या किया है, पिंडपात किया है, तो उस बुद्ध वंश की बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से फिर पिंडपात होता है, भोजन वगैरह होता है। फिर तभी राहुल क्या होता है, जिद करता है अपने अपने पिता को देखने, क्योंकि आज तक दिखा नहीं था पिता को, और जब बात फैल गई कि अभी तुम्हारे पिता आने वाले हैं, तुम्हारे पिता नगरी में आ चुके, तो उसको भी देखने की इच्छा हुई कि माता माता मुझे क्या देखना है, अपना पिता, अपने पिता को मुझे देखना है। तो यशोधरा अपने बच्चे को खिड़की पे लेके जाती है, और खिड़की पे लेके जाके इतना सुंदर काव्यात्मक वर्णन करती है अपने पिता को, क्यों पूछता है कि मैं अपने पिता को पहचानूं कैसे, क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ उसी उसी रात को क्या हो गए, मेरे पिता चले गए, तो मैं अपने पिता को कैसे पहचानूंगा। तो इतना प्यारा नौ गाथाओं में इतने प्यारे तरीके से वर्णन करते हुए बताती है कि देख, और हर गाथा में कितना सुंदर तरीके से, मतलब एक स्त्री, एक जो उनकी पत्नी रह चुकी है, वो कितने सुंदर तरीके से हर गाथा के अंत में कह रही है कि ऐसे ही तू ये पिता नरसी हो। आप समझिए उस भाव को, उस भाव में लीन हो जाइए कि जब वो स्त्री वो जब ऐसा कह रही है कि ऐसे ही तू ये पिता, तेरे पिता, तो वो तो हम सभी के पिता है। अभी जो जो इस बुद्ध शासन में निर्वाण प्राप्त करना चाहता है, आध्यात्मिक स्वरूप में हमारे पिता ही है वो। तो उस पिता के बारे में वो कितना प्यार है कि देख ऐसे ही, ऐसे है तेरे पिता, हर एक गाथा का बताते, और ऐसे जिसमें भगवान की 32 लक्षण वगैरह सब आ चुके हैं, और ऐसा कहते हैं ऐसे ही तू ही है, ऐसे है तेरे पिता, तो कौन, नरसिंह। कितना प्यारा शब्द इस्तेमाल किया बुद्ध के प्रति उन्होंने कि नर सिंह, जो नरों में भी सिंह समान है। मतलब देखो दो अद्भुत शब्द, नर कहाँ पे और सिंह कहाँ पे, तो नर तो है ही। अब नर तो आपको पता है, नर का अर्थ मैंने बता दिया है ना, क्या है नर का अर्थ, जो नरक से मुक्त हो चुका है ना, जो क्या हो चुका है, नरक से मुक्त हो चुका है। तो जो नरों में सिंह है, मतलब सिर्फ नर ही, पर सिंह समान, असल में उनके सिंह समान कहती है एड़ी वगैरह थी, तो जो सिंह है, सिंह पता नहीं सिंह का कैसा होता है, सिंह ऐसा जब दहाड़ता है तो पूरा जंगल हिल जाता है, तो इसी प्रकार जो नरों में सिंह है ऐसे तेरे पिता है। वो देख जो पूरे ऐसे लोगों के बीच में घिरे हुए और हमेशा लोगों से घिरे होते हैं, ऐसे तेरे पिता है। तो इसी प्रकार से हम अभी जानेंगे कि किसको, तो इस प्रकार जो पहली गाथा है, चक्रवरंकित रंत सुपाद, चक्रवरंकित मतलब जिनके पैरों के नीचे चक्र अंकित है, सुपादो, पाद मतलब पैर, सु मतलब अच्छे पाद, अच्छे पैर, एकदम सुंदर पैर है ना, तो चक्रवरंकित रंत सुपाद है ना, लक्षण मंडित आयत पही, कि जिनके चरणों पे लक्षण मंडित है ना, किसके आयत, आयत मतलब पता ना एडी, एडी एडी पर है ना, चामरछत विभूषित पादो, ऐसे ही तो यह पिता नरसी हो, ऐसे ही क्या है तुम्हारे पिता है नरों में सिंह। तो उसी प्रकार, और फिर शाक्य कुमारो वरो सुकुमारो, जो शाक्य कुमारों से भी सुकुमार है। आप देखिए कितना कितना प्यारा बोल रहे हैं कि जो शाक्य कुमारों में भी क्या है, सुकुमार है। वो सुकुमार शब्द को समझिए आप, भले ही बुद्ध हो गए, दुष्कर्चर्या किए थे, पर फिर भी उनकी त्वचा वैसी है सुकुमार युक्त। सुकुमार जब गृह त्याग किया तो कितने युवा थे वो, 28 साल की उम्र में। तो इस प्रकार के तो शाक्य शाक्य कुमारों में सबसे सुकुमार एकदम एकदम नम्र है, सॉफ्ट है ना। लखन चित्त पुण्य शरीरो, कि जिनके पूरे लक्षणों से युक्त है पूरा का पूरा शरीर है ना। फिर लोकहिताय गतो नरवीरो, इसको समझिए आप, लोकहिताय कि लोकहिताय के, लोकहित के लिए गतो, लोकहित के लिए जो गए थे, जिन लोकहितों के लिए जो गृहता किया था, ऐसे नर है वो, ऐसे वीर है, क्योंकि वीर का काम होता है गृह त्याग, कोई सा नाम साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, और भी लोग के हित के लिए कर रहे हैं, जैसे वीर है, नरों में भी क्या है, वीर। तो एक तरफ नरसिंह भी है और नर वीर भी है, ऐसे ही प्रिय पिता नरसिंह। तो इस गाथा को हम ऐसे शब्दानुशब्द किसी
और लेक्चर में अच्छे से एक एक शब्द का विस्तार रूप से क्या क्या अर्थ होते हैं वो किसी और लेक्चर में सुनेंगे, अभी तो मैं बस दो स्टंजा के अर्थ बताया हूँ। फिर पुण्य ससंख निभो मुख वन, जिनका बहुत ऐसा मुख एकदम सुंदर है, वर्ण युक्त है ना, शंख समान है, सफेद एकदम है ना। देव नरा न पियो नर नागो, जो देव को बीत, यहाँ पे तीन चार शब्द से मिलकर बना है, देव नरा, देव नर को प्रिय है और नागो को भी ऐसे प्रिय है। मत गजिंद, ये शब्द मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, मत गजिंद विलासित गामी, जिस प्रकार से एक मदमस्त गज होता है ना, हाथी कैसे चलता है एकदम रास्ते से, आप देखो हाथी को भय लगता जब रास्ता जाता है ना, तो एकदम पूरा रास्ता एकदम सबको हटाते हुए एकदम मत मत मस्त मत गज एकदम मत होते हुए चलता है ना, विलासित गामी एकदम विलास स्वरूप के चलता है हाथी, अरे ऐसे तेरे पिता की चाल है, तो मत गजिंद विलासित गामी, ऐसा ही तो ये पिता नरसी हो। फिर इसके बाद खत्तीय संभव, खेती करने वाले कुछ लोग क्षत्रिय बोलते हैं, कुछ खेती भी बोलते हैं, खत्तीय संभव अग्र कुलीनो, जो कि कुल में भी अग्र थे क्योंकि शाक्य कुल से थे, तो जो अग्र कुल के थे, देव मनुष्य नमसित पाद, जो देव और मनुष्य भी उनके चरणों पे अपना सर टिकाते हैं। शील समाधिपति टित चित्तो, जिनका शील समाधि में क्या है और पहिया में चित्त प्रतिष्ठित है, ऐसे ही तय पिता नरसी को। आयत युत सुशीटित नासु, जिसकी आयत से लेकर हर चीज क्या सु प्रकार के अच्छे प्रकार सुदृढ़ है। गोप मुखो अभिनील मुखो, ये तो बड़ा प्यारा लगता है मुझे, गोप मुखो की जिनकी पलकी जो है ना, गोप गाय की पलके समान है ना, और अभिनील सुकेशो, जिनके जो केस है ना वो अभिनील है, मैंने 32 सेशन में सब बताया है ना, जिस दिन मैं ये पढ़ाऊंगा आपको नरसी गाता, तो एक बार आप लोग वो 32 लक्षण रिवाइज कर लेना, इसके अलावा मैंने नोट्स भी दिया है आपको। इंद धनु अभिनील भमु को, तो जिनके धनुष बाण समान हो और इतने प्यारे जिनके आईब्रोज है, अरे ऐसे तेरे पिता क्या है, नर सिंह है। ठीक है, वट्टसु वट्टसु सिंठित गीवो, जिनकी जो जीवा है एकदम सुंदर है। सिंह हनु मिगराज शरीरो, जिसकी हनु जो है सिंह समान है और शरीर कैसा है, मिगराज, मिगराज समान जिनका क्या है, शरीर है। कंचन सुच्च व उत्तम वन्नो, कंचन मतलब स्वर्ण जिनकी त्वचा है ऐसे एकदम, उसमें उत्तम वर्ण वाले एकदम वैसे, ऐसे ही तो ये पिता नरसी हो। सिनिंद सुगंभीर मज्ज सुघोषो, जिनका जो घोष है ना इतना गंभीर भी है और सुंदर भी है, गंभीर के साथ भी क्या है उनकी सुंदरता भी है, क्या क्या शब्द मिलके बने हैं, देखिए ना एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो कितना कितना एकदम, आप सोचिए आपकी बुद्धन सती क्या प्यारी हो जाएंगी, इधर इसमें तो एकदम विलासित हो जाएगा एकदम व्यक्ति, कितने वो मानना पड़ेंगे उस विश्वधरा को कि क्या शब्दों को जोड़ जोड़ के बनाया है, सु गंभीर और मज्ज सुघोषो, क्या शब्द है। फिर हिंगल बद्ध सुरत सुजीवो, दीसति वीसति सेत सुनंदो, ऐसा ही तो ये पिता नरसिंहो। अंजन वन्न सुनील सुकेशो, कंचन पट्ट, तो देखिए एक एक शब्द कितना है। और आपको पता होगा अगर जो कि गजल लिखता होगा, अगर किसी ने गजल लिखा होगा या जो कविता लिखता होगा, उसे पता होगा कि बहर समान एक चीज होती है, बहर। बहर मतलब क्या होता है, अगर जब कोई कविता अगर बहर में होंगी तो उस कविता पे संगीत बन सकता है, तब वो कविता पे क्या बन सकता है, गाना बन सकता है। उसी प्रकार गजल, गजल भी शेर से बनती है ना, मुशायरों से, शेरों से, जब चार से ज्यादा शेर होते हैं तब वो गजल होती है, और वो गजल पे फिर क्या बनता है, संगीत देते हैं। तो गजल भी जब मीटर में होती है, मीटर में नाप तोलते हैं उसको भी, दो दो तीन तीन ऐसा ऐसा मीटर होता है उसका, तब जाके उस पर संगीत बनता है, उसका गाना बन सकता है। तो उसी प्रकार तो देखिए इस पूरे नरसिंह गाथा में क्या मीटर है, क्या बहर है, आप इसको कितने और कितने भी बहरों में आप इसे गा सकते हैं। तो चलिए अभी हम सभी इसको गाएंगे, ठीक है, ओके, ठीक है, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, ठीक है, करें। चकवारंकिता रात सुपादो लखन मंडित आयत पही
विभूषित पादो ऐसा ही तुया पिता नरसी हो साक्य कुमारो वारो सुकुमालो लखन चित्त तपुन्न शरीरो लोकहिताय गतो नरवीरो ऐसा ही तुया पिता नरसी हो पुण्य संख निभो मुख वन्नो देव नरा न पियो नर नागो गजिंद विलासित गामी ऐसा ही तुया पिता नरसी हो खातीय संभव आग कुलीनो देव मनु सनमासित पादो शील समाधिपति ठित चीतो ऐसा ही तुया पिता नरसी हो आयत युत सुसंठित नासो गोप मुखो अभिनील सुने तो इंद्र धनु अभिनील भमुको ऐसा ही तुया पिता नरसी हो वाठ सुसंठित गीवो सिंह हनु मिगराज शरीरो कंचन सोच उत्तम वन्नो ऐसा ही तुया पिता नरसी हो सिंधि सुगंभीर माज सुगोसो हिंगलब दसुरात सुजीवो विसति सीत सुनंतो ऐसा ही तुया पिता नरसी हो अंजन वन्न सुनील सुकेशो कंचन प तविशूद ललाटो ओ सधि पंडर सुद सुवन्नो ऐसा ही तुया पिता नरसी हो गाछति नील पथे विय चंदो तारगन्ना परिवेठित रूपो सावक जगतो समनिंदो ऐसा ही तुया पिता नरसी हो ऐसा ही तुया पिता नरसी हो ऐसा ही तुया पिता नरसी हो तो इस प्रकार से यह गाथा कह के राहुल को भेजा था कि जा, क्या भेजा था कि तेरे पिता के पास चार सोने घड़े हैं, है ना, चार ऐसे घड़े जिसका धन कभी खत्म नहीं होता, जा वो मांग के ला, अपना दायाद मांग के ला, अपना वारसार मांग के ला। सोचो कैसा छोटे से बच्चे को जाके भेज दिया, जा अपना हक मांग के ला, पिता है ना, तेरे पिता है, उन्हें तेरा हक देना चाहिए, जा उनसे मांग के ला अपना हक। तो वो जाता है, फिर जाने के बाद बराबर अपने पिता को उस भीड़ में पहचान ही लेता है, जो संग से पूरे संग से घिरे थे, बराबर उन तक जाता है। अब बुद्ध की हाइट आप जानते हैं कितनी थी, अब बुद्ध की हाइट इतनी थी, और ये जाता है, और जाते ही बराबर ऐसा बुद्ध की तरफ मुंह करके कहता है, और क्या प्यारा कहता है पता है, सबसे पहले वचन बुद्ध, वो 7 साल का बच्चा जो बुद्ध के पास जाता है, और जैसे ही बुद्ध की छाया के पास जाता है, आपको पता है उसके मुंह से क्या वचन निकलते हैं, इतना प्यारे वचन कहते कि कह नहीं सकते। मैं बता आपको, उसने भगवान को बोला कि हे श्रमण, तेरी छाया कितनी सुकर है रे। सोचिए उसने कैसा अनुभव फील किया कि अपने पिता को पिता भी नहीं कह रहा है, और वो वहां पे जाते बराबर 7 साल का बच्चे के मुंह से अद्भुत ये प्रश्न निकल गया कि आप सोच सकते हैं कि वो भगवान का जो ऑरा है, भगवान का जो वाइब्स है, भगवान का जो
जो उनका जो जो माहौल रहूंगा, जब उनके संपर्क में जब आता हूंगा, तो 7 साल का बच्चा जिसे कुछ भी नहीं आता, अपने पिता के वर्णन सुन के आया था वो, अपने पिता के बारे में सुन के आया था अपनी माँ के पास से कि हाँ भाई नरों में सिंह है, इतने श्रेष्ठ इंसान है, और वो इंसान के पास जाते बराबर उस बच्चे के, उसको वो पिता ना बोलते, उसके मुझे श्रमण निकाल, और क्या निकल रहा है कि हे श्रमण, तेरी छाया कितनी सुखकर है रे, कितना अद्भुत, आप वो अनुभूति को जरा महसूस कीजिए, क्या बालक की रही होगी। और अपने पिता को कहता है कि मुझे मेरा हक दीजिए, मुझे मेरा हक दीजिए आप। बुद्ध कुछ नहीं बोलते, पलट जाते हैं और चलना शुरू कर देते। और ये बच्चा बुद्ध के पीछे 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 ऐसा कहते चलता है कि मुझे मेरा दाया दो, मुझे मेरा दाया दो, मुझे मेरा दाया दो। सोचिए कितना क्यूट होगा वो दृश्य कि बुद्ध ऐसे आगे आगे जा रहे हैं और ये छोटा बच्चा पीछे 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 उनके चलते जा रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं। और वो कितना प्यारा पेंटिंग भी निकाला है गोयनका जी के वीआर ने, वो कितना मतलब छोटा सा बच्चा ये 7 साल का, और इतनी बड़ी बुद्ध की हाइट, वो बुद्ध आगे आगे जा रहे हैं, पीछे उसको कुछ भी नहीं बोल रहे, बुद्ध कुछ भी नहीं बोल रहे उसको, बुद्ध आगे आगे जा रहे हैं और पीछे अपना मुझे मेरा दाया दो, मुझे मेरा दाया दो, मुझे मेरा दाया दो कैसे जा रहे। और कुछ दूरी पे जाके फिर सारिपुत्र के पास गए और सारिपुत्र की तरफ कहा कि इसे मेरा दाया दो, इतना बोला। सारिपुत्र ने इतना पूछा कि मैं से क्या दीक्षा दू, तो कहते शमन की दीक्षा दो 10 शील देके, फिर से 10 शील देके दीक्षा हो गई, तो उसे क्या बना दिया गया, शामनेर बना दिया गया। सोचिए वो माता को पता था, यशोधरा को भेजने वाली यशोधरा को पता था कि मैं इसे क्या बना रही हूँ, शमन बना रही हूँ, शमन बनाने के लिए भेज रही हूँ। सोचिए उसका चित्त, एक कवि ने इतना प्यारा इस दृश्य को 3 पंक्तियों में, शायद से मैंने सुनाया भी है वो गाथा, यहाँ पे कविता सुनाया है ना वो, शायद से मैंने, एक कवि ने 3 पंक्तियों में इतना सुंदर इस दृश्य को कह दिया, इतना इतना सुंदर इस दृश्य को उन्होंने, आपके जो राष्ट्र कवि है मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने इतना प्यारा इस दृश्य को कहा कि सुनिए उस पंक्ति में, कि तुम भिक्षुक बनकर आए थे, गोपा क्या देती स्वामी। आप सभी को पता है कि गोपा के भी एक नाम है यशोधरा का, और हम सभी को पता है कि भारतीय संस्कृति होती है ये कि अगर कोई आया है द्वार पे तो कुछ ना कुछ तो दे, है ना, हम कभी खाली हाथ नहीं भेजते हैं किसी भी सन्यासी को। पर इसमें कह रही है कि तुम भिक्षुक बनकर आए थे पर मैं क्या दूं, क्योंकि तो जब तुमने राजपाट त्यागा, तुमने सब कुछ त्यागा, तो मैंने भी किधर सब कुछ त्याग दिया था। नीचे सोऊंगी, कोई ऐसे महंगे वस्त्र नहीं पहनूंगी, सिंपल वस्त्र पहनूंगी, तो मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। मैं जिसे मैं मेरा कह सकती हूँ, ये मेरा है, तुमने जो त्यागा तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। तो वही कह रही है इस कवि, इस पंक्ति वही बता रहा है यशोधरा का भाव, कि तुम भिक्षु बनकर आए थे, तुम भिक्षु बन के आए हो, भिक्षार्थी बन के आए, मुझे भिक्षा देना आवश्यक है, तुम पर मैं क्या दूं, कुछ है ही नहीं मेरे पास, मेरा अपना करने लायक, तुम भिक्षु बनकर आए थे, गोपा क्या देती स्वामी, है एक अनुरूप राहुल ही। क्या कह रही है कि एक ही अनुरूप है, अनुरूप मतलब तुम्हारी छाया, मेरे पास एक ही चीज है राहुल, सिर्फ एक ही चीज है तुम्हारा अनुरूप राहुल, तो तुम भिक्षुक बनकर आए थे, गोपा क्या देती स्वामी, है एक अनुरूप राहुल ही, रहे सदा अनुगामी। चलो एक चीज है बोले, मतलब देखो उस स्त्री का भाव देखिए कि मेरे पास अपना कहने लायक सिर्फ एक ही चीज है, कौन सी चीज है, राहुल है, और कुछ नहीं उस स्त्री के पास अपना कहने लायक, कुछ भी नहीं, उसने सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी कह लिए कि चलो वो भी आपका अनुगमन कर ले, अनुगमन मतलब उसे अनुगमन अर्थ समझ रहे हैं ना, कि वो भी सन्यासी बंदा, लेके जाओ उसको भी, चलो चलो लेके जाओ। आप सोचिए उस समय भिक्कुनी संघ भी नहीं बना, भिक्कुनी भी नहीं बनी थी, वो अकेले रहने वाली है, उसका जीवन अकेले बटने वाला, एक स्त्री कम कम से कम कुछ ना तो चाहिए, स्त्री को चाहिए एक तो बच्चा चाहिए, जेवरात चाहिए, पति चाहिए, कुछ तो चाहिए, नहीं तो काम सुख चाहिए, ये 5 चीजों में से कुछ तो भी जीवन में चाहिए था, जीवन जीने के लिए, पर कुछ भी नहीं रहेगा राहुल देने के बाद, इसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, ऊपर से भिक्कुनी संघ की भी स्थापना होने की है, पर फिर भी तैयार है, त्याग देखो उस समय उसके मन में कोई भाव नहीं है कि मैं अकेले छूट जाऊंगी वगैरह, कुछ भी नहीं, पर उसका भाव देखो कि तुम भिक्षुक बनकर आए थे, गोपा क्या देती स्वामी, है एक अनुरूप राहुल ही, रहे सदा अनुगामी, है मेरे दुख में, तो क्या कह रही है कि मेरे दुखदाई होता है ना एक स्त्री के लिए, दुख तुम गए बिना बताए गए, छोड़ के चले गए, दुख था, अब कुछ भी नहीं है, एक अकेला बच्चा है,
हाँ उसमें मुझे कहीं ना कहीं एक सांसारिक स्त्री के नाते, एक लौकिक स्त्री के नाते, एक लौकिक भाव के नाते मुझे भी तकलीफ होंगी। अरे कौन माँ चाहती है कि उसको बड़ा भविष्य बने? मेरी माँ भी चाहती, आज भी मुझे बार बार कहती थी आ जाओ भंतीजी वापस आ जाओ वापस आ जाओ। भाई कहता है कि तू भाई घर में आ जा, तेरे को मैं बैठ के खिलाऊंगा, पर तू आ जा। तो कोई परिवार का व्यक्ति न्याति अपने प्रिय पुत्र को या प्रिय पुत्र को देना चाहता ही नहीं। देगा तो लेके जाओ भंतीजी, खाली पड़ा है, किसी काम का नहीं, लेके जाओ। अरे भाई जो तुम्हारे काम का नहीं, हम हमारा किस काम का रहेगा? तो हमें भी अगर कोई बोलता है, कोई माता पिता कहता है कि हाँ इस बच्चे को देते हैं, तो वो देते जो खुद का नालायक बच्चा होगा, जो जो बच्चा खुद घर पे काम नहीं करता, खाली पकड़ बैठा रहेगा, वो बच्चा देना चाहते हैं। अच्छा बच्चा कोई देता नहीं, बताओ। तो फिर जैसा बच्चा देंगे वैसा ही बनते बनेंगे। तो पर वो क्या कह रही है कि वो तो अपना प्रिय पुत्र दे रही है ना। जब सम्राट अशोक ने भी दिया तो अपना प्रिय पुत्र महेंद्र को दिया था। महेंद्र विदेही का पुत्र था, जो कि प्रिय नारायण, एक अच्छी उस समय की सबसे श्रेष्ठ कुल की रानी थी वो। तो अपने प्रिय पुत्र को देना है, तो वो यशोधरा अपने प्रिय पुत्र को दे दिया। तो दुखदाई होगा एक लौकिक स्त्री के नाते, कि भाई अकेले तुम गए, तो यही तो मेरे लिए सहारा राहुल। तुम्हारे जाने के बाद सिर्फ राहुल एक सहारा था, उसको बड़े नाजों से पाला है मैंने, उसे तो मेरी जान शक्ति है, पर ठीक है लेके जाओ। तो कितना प्यारा है कि तुम भिक्षुक बनकर आए थे, गोपा क्या देती स्वामी, है एक अनुरूप राहुल ही रहे सदा अनुगामी, है मेरे दुख में छिपा विश्व सुख। फिर क्या कह रही है, देखो इस भाव को भी उसी क्षण इस भाव को भी समझ रही है कि भले मेरे लिए एक स्त्री होने के नाते दुख हो, दुखदायी होगा, पर मेरे इस दुख में तो विश्व का सुख छुपा है ना, विश्व का कल्याण होगा, विश्व के लिए प्रेरणा होंगी, कितने लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगी, आगे भी कई लोग अपने पुत्र को भी दान करेंगे, और लोगों के लिए भी होगा कि देखो जो एकमात्र व्यक्ति जो सिंहासन का हकदार होने वाला था, अरे वो सुकुमार 7 साल की उम्र में, और वो सबसे पहला शामिल था ना, सबसे पहला अगर कम उम्र में प्रोजित होने वाला कोई था तो राहुल था। तो लोगों को प्रेरणा मिलेंगी, लोग भी कई लोग दुख से मुक्त होंगे, और ये भी कभी अरहंत होगा तो लोगों को दुख से मुक्ति करेगा। तो ये भाव के भाई मेरे इसमें भले दुख होगा लेकिन विश्व का सुख छुपा है, तो मेरे दुख में छिपा विश्व सुख। तो क्या कह रही है कि तुम भिक्षुक बनकर आए थे, गोपा क्या देती स्वामी, है एक अनुरूप राहुल रहे सदा अनुगामी, है मेरे दुख में छिपा विश्व सुख, फिर क्यों ना भरूं मैं हामी, बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। तो इस प्रकार से तो क्यों ना मैं इन तीन तीन रत्नों में शरण जाऊं। तो इस प्रकार से एक कवि ने एक बहुत ही सुंदर ये इसमें ये सुनाई। तो एक आखिरी एक जो कविता है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो आप लोगों ने सुनना ही चाहिए, वो आपको बताता हूँ, और उसके साथ फिर ये आज का हम जो पूर्णिमा का जो उत्सव हम मना रहे हैं वो हम खत्म करेंगे। ये एक कविता है मैथिली शरण गुप्त की, सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो ये जो कविता है बहुत प्यारी कविता है, मैंने हमारे को जब फर्स्ट ईयर में थे हम नागपुर में जब बीए कर रहा था मैं, तो उसमें हमको कविता आई थी, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे कविता पढ़ने के लिए मिली, और इसलिए भी सौभाग्यशाली हूँ कि जिस सर ने मुझे पढ़ा के मतलब पढ़ाई दी कविता, वो सर इतने प्यारे सर थे कि उस उन्होंने कारण मुझे कविता में दिलचस्प रही और अद्भुत ये कविता। ये जो मैथिली शरण है इन्होंने उस दृश्य पे कविता लिखी है जिस दृश्य में नहीं क्या कि जो सिद्धार्थ गौतम है रात को बिना बताए गृह त्याग कर देते, छोड़ के चले जाते यशोधरा को वगैरह, तो यशोधरा को बिना बताए जाते हैं। तो उस दृश्य पे उस यशोधरा की क्या स्थिति थी उस समय, उस यशोधरा के मन में क्या क्या आया, कितनी व्याकुल हुई, वो स्थिति को एक कवि ने अपनी कल्पना द्वारा समझाने का कोशिश किया है इसमें। ठीक है कि जब सिद्धार्थ रात को चले गए बिना बताए, दूसरे दिन उसकी क्या स्थिति यशोधरा की, उसमें सुनिए। ठीक सुनिए, ठीक है, पहले हम पूरी कविता एक बार बोल देते हैं फिर उसको एक एक करके समझाएंगे। ठीक है, सखी वे मुझसे कह कर जाते, एटलीस्ट मुझे बता के जाते, एक जो खंत तो उनके मन में है यशोधरा के उसको लेके। सखी मतलब यशोधरा अपनी सखी को कह रही है कि एटलीस्ट मुझे बता के तो जाते हैं। सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको अपनी पत बाधा ही पाते, मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते, स्वयं सज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पन में हम ही भेज देते हैं रण में, शात धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। हुआ ना यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, अरे जिसने अपनाया था त्यागा रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। नैन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते
सदा उदय वे कैसे सहते, गए तरसी खाते सखी वे मुझसे कह कर जाते, जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी ना हो इस जन के दुख से, उपलाप दू मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते सखी वे मुझसे कह कर जाते, गए लौट भी आवेंगे कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो इस प्रकार से अब इस कविता को जरा समझिए, किस प्रकार से एक स्त्री के भाव कभी व्याकुल भी हो रहे हैं और कभी सुख भी हो रहे हैं, ये जो द्वंद्व हो रहा है उसके मन में, यह बहुत सुंदर तरीके से कविवर ने इसमें साधा है। तो सबसे पहले क्यों कह रहे हैं कि अपनी यशोधरा जो है कह रही है, सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको भी अपनी पत बाधा ही पाते, अर्थात कि एटलीस्ट हे सखी, सखी मतलब फ्रेंड, सखी एटलीस्ट मुझे बता के जाते, एक बार तुम्हें कम से कम बता के जाते, अगर तुम ही बताओ, अगर क्या उन्होंने मुझे बता रहता तो क्या मैं उनको रोकती, तुम ही बताओ क्या मैं उनको बाधा में उनकी अड़थरा उत्पन्न करती। मुझको बहुत उन्होंने माना, मैं ये मानती हूं कि जब वो मेरे साथ रहे, तो जब वो मेरे साथ जब जीवन जिया, उन्होंने मेरे साथ जितने भी साल जीवन जिया, हमेशा उन्होंने मुझे मान दिया, एक सम्मान दिया, एक स्त्री के योग्य, एक पत्नी के योग्य, हर बात को उन्होंने महत्व दिया और मुझे ऐसा रखा कि हर बात उन्होंने मुझे माना, एक अच्छी तरह के माने, तो मुझको बहुत उन्होंने माना, पर फिर भी क्या पूरा पहचाना। देखो दो ही पंक्ति में, एक ही स्टैंजा के दो पंक्ति में, एक तरफ यशोधरा अपने पति का गुण गान गा रही कि हाँ यार उन्होंने मुझे फ्री माना, पर दूसरी तरफ शिकायत भी, उसी दूसरी पंक्ति में क्या कर रही है, शिकायत भी कर रही है, इतना मान देने पर भी क्या मुझे पहचाना सकी, है ना, अगर पहचाना तो बिना पता जाते क्या, तो फिर भी क्या उन्होंने मुझे पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, क्या वो भूल गए, जो जो उनके मन में आना था मैं उस बात को जान लेती थी, और कभी उस बात को मैंने कभी ना नहीं किया। देखो उन दोनों का जो संबंध थे कि जान लेते थे इसी प्रकार क्या मन में आया, और कभी भी दोनों के निर्णयों को मैं सम्मान देंगे उतने प्रकार से, तो मैंने हमें सम्मान दिया, पर फिर भी क्या उन्होंने मुझे पूरा पहचाना, क्या अगर वो अपने मन में ये बात को लाते तो क्या मैंने रोकती, क्या रोक पाती कभी उनको उस बात पे, पर फिर भी सखी नहीं, उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं बताया, इतना मान देने पर भी इस बात को लेकर उन्होंने मुझे मान नहीं दिया, वो जानते थे इस बात को कि मैं उनकी हर बात को मानूंगी, पर फिर भी वो मुझे बिना बताए गए सखी कम से कम सखी वे मुझसे कह कर तो जाते। नेक्स्ट स्टैंजा, तो समझा नहीं, तो मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। फिर नेक्स्ट स्टैंजा, स्वय सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के पण में, हम ही भेज देते हैं रण में, शायद धर्म के नाते। तो कह रहे हैं कि तुरंत एक क्षण में हम अच्छी प्रकार के सजा देते हैं, कब, जब ये रण में जाते हैं, जब युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए जाते हैं, तो क्या हम ही वो स्त्रियां नहीं है जो अपने पति को, अपने 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 पति को हम तैयार कर देते युद्ध में लड़ने के लिए, तब क्या हमें डर लगता कि हमारे पति की मृत्यु ना हो जाएगी, फिर भी हम तैयार हो जाते हैं ना, शस्त्र धर्म के नाते हम भेज देते हैं अपने 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 पतियों को, तो जब इस चीज के लिए हम भेज सकते थे तो क्या इस अच्छे काम के लिए मैं उनको रोक नहीं सकी। तो देखो एक शिकायत का जो भाव है, फिर भी उन्होंने मुझे नहीं बताया ना, तो कम से कम सखी वो बता दे तो सही, इस बात को तो याद रखते हैं कि हम जब युद्ध पे लड़ने के लिए, अपनी जान पे खेलने के लिए एक झटके में तैयार हो जाते थे उनको भेजने के लिए, तो इस अच्छे बात के लिए, इस मुक्ति के पद के लिए क्या मैं तैयार नहीं होती, सखी वे मुझसे कह कर जाते। आगे कहते हैं, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, अरे जिसने अपनाया था त्यागा, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व जागा, जिसने अपनाया था त्यागा। कह रही है देखो यहाँ पे जो स्त्री के जो भाव है, यहाँ पे क्या कह रही है कि देखो मेरा भाग्य कितना अभागा हो गया, मतलब वो कह रही है कि जिस जो मेरा गर्व था, जो मेरा गर्व था, जो मेरा आभूषण थे, जो सिद्धार्थ है ना, अरे उसने त्याग दिया मुझे, वही मुझे छोड़ के क्या हो गए, चले गए, जो मेरा भाग्य था, जो मेरे जीवन का भाग्य था, जो मेरे जीवन की डेस्टिनेशन थी, और जो मेरे जीवन का गर्व था, अरे उसी इंसान ने त्याग दिया, अरे मुझे क्या रहा मेरा जीवन, अब क्या रहा मेरे जीवन में, कम से कम ये सोच के तो बताते, यह रहस्य मरण आते,
कम से कम यही यही स्मरण, यही स्मरण करके कि जिसको मैंने गर्व जाना, जो मेरे जीवन का भाग्य है, कम से कम ये सोच के तो होते कि यशोदा मेरे जीवन का भाग्य है, ये सोच कम से कम आते एटलीस्ट सखी कम से कम कह के तो जाते। तो देखिए कितने रूप में शिकायत उत्पन्न हो रही है, कितने तरीके तरीके से सोच रही है कि इतने तरीके इतने तरह आर्ग्यूमेंट्स रख रही है, इतने तरह रख रही है कि देखो ये बात है, कम से कम ये बात ध्यान रख के तो कम से कम आते बताते बता के जाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। फिर अभी क्या कह रहे हैं, अभी देखो यहाँ पे जो उसका भाव है ट्विस्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते हैं, जो नयन है ना निष्ठुर कह रहे हैं, क्यों रहे कह रहे निष्ठुर, क्योंकि बिना आखिरी में बिना मतलब आखिरी बार मैं देख भी नहीं पाए उनको, बिल्कुल नहीं देख पाए उनको मैं जाते समय, तो ये नैन आज ये मेरे नैन के लिए वो काफी निष्ठुर साबित हो रहे हैं, काफी कठोर साबित हो रहे हैं, मेरे लिए काफी हार्ड साबित हो रहे हैं, मैं उन्हें सौम्य नहीं कह सकती, बिल्कुल नहीं कह सकती सौम्य, कैसे कहूंगी, आखिरी बार ये आंख उनको देख भी नहीं पाई, आज मेरे आंखों के लिए वो काफी निष्ठुर है, काफी कठोर साबित है। आगे पर इनसे जो आंसू बहते सदा हृदय में कैसे सहते। देखो अभी एक तरफ इस स्टैंजा में पहली पंक्ति में जहां पे वो शिकायत हो रही है, काफी गुस्सा हो रही है सिद्धार्थ पे, अभी उसी में दो पंक्ति में क्या करिए, अरे शायद से सही किया हो गए। तो देखो पहले पंक्ति में कहीं ना कहीं सिद्धार्थ के प्रति कठोर हो रही है, पर उसी स्टैंजा में दूसरे पंक्ति में क्या कह रही है, खुद ही खुद का ही प्रेम, खुद का ही जो भाव है बुद्ध के प्रति, सिद्धार्थ के प्रति, खुद ही कह रही है कि नहीं 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 सही है, जो बिना बताए गए रात को बिना चले गए, क्यों, क्योंकि अगर वो मुझे अगर मेरे आंखों के सामने जाते तो मेरे आंखों से क्या निकलते, आंसू निकलते, तो वो कोमल हृदय कैसे सहते, कैसे देख पाते मेरे आंखों में आंसू, तो अच्छाई है जो बिना बताए गए। तो वहां जब पहले पंक्ति में कह रहे हैं कि आंखें निष्ठुर कहती है, वही तुरंत अपने आप को संभाल रही है, नहीं 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 वो बुरे नहीं है, इतने बुरे उन्हें वो, मतलब जहां पहले पंक्ति में जाके कठोर करिए, वही उसी स्टैंजा के दूसरे तीसरे पंक्ति में कह रही है नहीं नहीं इतने कठोर नहीं है, सही किया, क्योंकि मेरे आंखों से आंसू बहते बहते ना, अगर मुझे ज्यादा छोड़ के तो मेरे आंखों से आंसू बहते तो कैसे होता ये, तो बिल्कुल सही कहा, तो कोमल हृदय कैसे सह पाते। पर फिर भी फिर वही भाव उत्पन्न हो रहा, सांसारिक है लौकिक स्तरीय, फिर से वही भाव उत्पन्न हो रहा, पर फिर भी गए तरस ही जाते, एक बार तरस खा के जाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। फिर आगे कहते हैं जाए, अभी गए हैं तो क्या कर सकते, जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी ना हो इस जन के दुख से। अभी चलो गए हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, गए हैं तो गए है, अभी गए हैं तो हमारे बारे में भी ना सोचे, हम क्या हम दुखी होंगे, हम रो रहे होंगे, इन सब के बारे में भी ना सोचे, अभी गए हैं तो जो सिद्धि प्राप्त करना है वो प्राप्त कर ले, हमारे बारे में बिल्कुल भी ना सोचे। देखो एक श्री का भाव, यशोदा का भाव सोचिए कि यहाँ पे भी वो सोच रहे कि हमारे बारे में मत सोचना, बिल्कुल मत होना, जो भी काम कर रहे हो वो अच्छे प्रकार से करना। उपालंब दू मैं किस मुख से आज अधिक वे बातें, क्या कह रहे हैं कि आज मैं किस मन किस मुझे शुभकामना दू, क्या 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 बोलू मैं, क्या बोलू, क्योंकि आज कहीं ना कहीं आज वो अधिक भार है, क्योंकि दूर चले गए ना और एक अच्छे उद्देश्य चले गए, इतना सब कुछ छोड़ के चले गए, तो आज कहीं ना कहीं आज उनके मेरे जीवन में मेरे मन में एक विशेष स्थान बन गया। तो देखिए एक तरफ जहाँ पे शिकायत कर रही है, वही कहीं ना कहीं इस बात को भी वो छुपा नहीं पा रही, इस बात को भी पूरे रूप से मान रही कि अभी तक तो पति के रूप में वास कर रहे थे, पर आज कहीं ना कहीं हृदय में एक अलग स्थान बन चुका है उनके लिए, आज एक अलग तरीके से भाते हैं, आज तो आज और ज्यादा भारे हैं। तो देखिए एक जो हमें भाव देखने के लिए मिलता है कि एक तरफ जहाँ पे इस प्रकार शिकायत कर रही है, उस तरीके से एक हृदय में भी एक आदर्श भाव बन रहा है, एक जो दुख बोलेंगे वो दुख ऐसा नॉर्मल भाव वाला नहीं कि भाई मुझे छोड़ के चले गए, अगला अकेला छोड़ के चले गए, नहीं ये भाव बदल चुका है, ये लौकिक भाव नहीं रहा, तो आज कहना एक विशेष रूप से भार है, क्योंकि मेरा पति एक अच्छा काम करने गया है, एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए गया, एक महान कार्य करने के लिए गया है, ऐसे महान कार्य के लिए गृह त्याग किया है, तो एक अधिक आज भार है, पर फिर भी इतना सब कई इतना अच्छा काम के लिए गए, एक बार सखी वे मुझसे कहकर तो जाते। ओके अभी आखिरी स्टैंजा और सबसे प्यारा स्टैंजा, मैं आशा करता हूँ कि हर स्टैंजा के अंत में आपने ये गाथा एटलीस्ट मेरे साथ दोहरा रहे होंगे, सखी मुझसे कहकर जाते। अभी आखिरी स्टैंजा मुझे बड़ा पसंद है, ये गए लौट भी आवेंगे। देखो ये पंक्ति बड़ी प्यारी है, गए लौट भी आ देंगे, इतना विश्वास है उसको कि गए तो लौट भी आना ही है ना,
कौन था जंगल में लोग ज्ञान बताने वाले हैं, क्योंकि समाज के लिए प्राप्त कर रहे हैं, आखिर में समाज में ही वापस आएंगे। कितना विश्वास, और इतना विश्वास इस पंक्ति में कि वो प्राप्त करेंगे ही करेंगे, और करेंगे तो कहाँ आएंगे, इधर ही वापस आएंगे, समाज में वापस आएंगे, क्योंकि ये समाज के लिए प्राप्त कर रहे हैं, समाज के लिए तक इतना कर रहे हैं ना कठोर, तो गए तो लौट भी आएंगे। तो यहाँ पे उनका जो सौम्यता है, एक फिर से जो प्रेम उमड़ता है, फिर से जो देखने की जो आशा है, और ये आशा कैसी, आशा में विश्वास भी कि आएंगे वापस, उनको तो वापस आना ही है। वो भाव देखिए, जो एक जो वापस आना ही है का भाव, वो इसमें उनका भाव है। तो गए लौट भी आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, और इस बार जब आएंगे ना तो कुछ ऐसा लाएंगे जो पहले कभी सुना नहीं गया, अपूर्व उब्बे अनुसुतेसु, भगवान ने भी कहा ना, मैंने जो खोजा है पहले ना सुनने गए, पहले ऐसा कभी नहीं सुना गया, ये बात मैंने इसी खोजा है। तो देखो यहाँ पे भी कई कर रहे हैं, यशोधरा कह रही है कि कुछ इस बार कुछ लाएंगे तो अपूर्व अनुपम, अपूर्व मतलब पहले कभी ऐसा ना देखा गया, ना सुना गया, ऐसा श्रेष्ठ चीज लाएंगे कुछ अपूर्व। कितना विश्वास देखिए अपने पति के साधना पे, कितना विश्वास कि अपूर्व अनुपम लावेंगे, अरे रोते प्राण उन्हें पावेंगे। आज जो ये प्राण इतने, ये जो श्वास उनकी अटकी हुई है, रुकी है उनको देखने के लिए, ये रोते प्राण, ये जो आज मेरी जोहर बात में रो रहे, उनको तरस रहे, ये रोते प्राण उन्हें पावेंगे, फिर उनके दर्शन हो जाएंगे। पर क्या गाते गाते फिर से प्रश्न, पर कैसे होंगे दर्शन, शिकायत होंगे कि सारे रो के कहूंगी एकदम, क्या कई सारी शिकायतें प्रकट करूंगी उनके सामने में, तो बिना बताया चले गए, ऐसे कैसे चले गए, बताना चाहिए था, इतना विश्वास, जितने आर्गुमेंट, ये सारे आर्गुमेंट्स रखूंगी। तो वही तो कि ये शब्द सुनिए कि पर क्या गाते गाते, मतलब प्रश्न चिन्ह की किस प्रकार स्वागत करूंगी, स्वागत ऐसा तो नहीं रहेगा, अलग ही रहेंगे, और वैसा ही हुआ स्वागत, देखते हम तो कैसे, वो तो पूरी शिकायत रखूंगी तरफ पर आके, कैसे कैसे बिना पता चले गए, बता के जाते वगैरह वगैरह। तो रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, अरे सखी कम से कम कह कर तो जाते, सखी में मुझसे कह कर जाते। तो इसी प्रकार एक बार हम सभी फिर से दोहराएंगे, तो सखी में मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या वो मुझको अपनी पद बाधा ही पाते, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते, सखी वो मुझसे कह कर जाते। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में, हम ही भेज देते हैं रण में, छात्र धर्म के नाते, सखी हुआ न यहाँ भी भाग्य अभागा, किसका विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी सखी मैं उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदा हृदय में कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी सखी जाए सिद्धि पावे वो सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपलाभ दू मैं किस मुख से, आज अधिक बेबाक है, सखी गए लौट भी आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, सखी आगे से आप लोग भी कुछ कभी जाएंगे तो घरे बता के जाना है, क्या नहीं मम्मी जा रहा हूँ इधर, आऊंगा जल्दी, ठीक है वाला कभी हमें शिकायत करेंगी, कौन रे समझ नहीं किया तू, बोलती मम्मी पता कि नहीं गया था। तो फिक्र हर किसी को होती है बेटा, हर कोई चाहता है, आप चाहे तो उनको पता रहे, क्योंकि मन व्याकुल होता है ना, इसलिए आप लोग भी जब भी घर से जाए तो मम्मी पापा को बता के जाए कि कहाँ जा रहे हैं, इवन कितने बड़े क्यों ना हो जाओ, कितने ही बड़े क्यों ना हो जाओ, हमेशा घर पे बताना। अरे माता बच्चों के माँ बाप क्यों ना हो गए तुम, फिर भी अपने मम्मी को बताना, मम्मी जा रहा हूँ, और लेट हो तो मम्मी को बताने का कि हाँ आज लेट होना, ठीक है फोन करके बताओ, ठीक है। तो इसी प्रकार आखिरी बार अभी सभी लोग अपने अपने माइक ऑफ कर लो और अपने, ठीक है माइक ऑफ कर लो और अपने अपने इसमें बोलेंगे, सखी वे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते।
स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पन में हमें भेज देते हैं रण में, शास्त्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे क्या कर जाते। हुआ ना यहाँ भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते सखी वे मुझसे क्या कर जाते। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो वासु बाते, सदा उदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते सखी वे मुझसे क्या कर जाते। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, झुकी दुखी ना इस जन के दुख से, उपलाम दू मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते सखी वे मुझसे क्या कर जाते। गए लौट भी आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे क्या कर जाते। साधु साधु। इसी प्रकार आज ऐसा रहा हमारा दिन, ऐसे रही पूर्णिमा। आशा करता हूँ आपका पूर्णिमा काफी अच्छी गई होंगी, आप सभी को ये दिन अच्छा लगा होगा। हम सभी का जो आज का रहा, आशा करता हूँ अच्छा रहा। ठीक है, तो सभी लोग अभी हम संकल्प गाथा कहेंगे और इसके साथ यह क्या करेंगे, खत्म करेंगे आज का सेशन। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्षमायाचना है ना, क्षमायाचना पूरा अनुमोदन की याचना। बुद्ध धम्म संघ क्षमा याचना। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खमामि भन्ते भूरि पय्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खमामि धम्म संदिटीक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खमामि संघ पुण्यं खेतं अनुत्तर। साधु साधु साधु। पुण्यानुमोदन याचना। ओकास वंदामि भन्ते मया कतं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यं। सामिना कतं पुण्यं मह्यं दातव्यं। साधु 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 अनुमोदनम्। ओकास द्वारत एन कतं सब्बं अच्छयं खमत मे भन्ते। ओकास खमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकास खमामि भन्ते तृतीयंपि ओकास खमामि भन्ते। खमतु खमतु खमा है ना। सभी लोग अभी जलदा जल। ठीक है, प्रतीक्ष कुटिल प्रतीक्ष आए 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 जल्द जो होटे गिला जल। शुरू करें। यथा वरिवाह पुरा परिपूरेंति सागरं एवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपकंपति इचितं पचितं तुम्मं खिप्पमेव समीजतु सब्बे पुरेंतु चित्तसंगप्प चंदो पन्नुरसो यथा मणि ज्योतिरसो यथा। हाँ, जुड़ के बैठिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ते आयुवन्नो सुखं बलम्। साधु साधु साधु। साधु। चलिए संकल्प गाथा। ठीक है, इमाय धम्मानु धम्म पटिपत्तिया बुद्धं पूजेमि। इमाय धम्मानु धम्म पटिपत्तिया धम्मं पूजेमि। इमाय धम्मानु धम्म पटिपत्तिया संघं पूजेमि। अद्दा इमाय पटिपत्तिया जाति जरा मरणं महापरिपूचसामि।
इमिना उय्य कम्मेना मामे बालं समागमो सत्तं समागमो हन्तु याव निब्बान पत्तिया देवो वसन्तु कालेना सस संपत्ति हेतु च पीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको ईमाय बुद्ध पूजाय कत्ताय शुद्ध चेतसा चीरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा ईमाय धम्म पूजाय कत्ताय शुद्ध चेतसा चीरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा ईमाय संघ पूजाय कत्ताय शुद्ध चेतसा चीरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा सब्ब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनं हितं बुद्धान शासनम् साधु साधु साधु। दो मिनट मंगल मैत्री, सभी लोग मेरे पीछे बोलेंगे। ये शॉर्ट में मंगल मैत्री है, हमारे हर क्लास के एंडिंग में ये बोलना चाहिए। आप सभी ना शॉर्ट में आपको बोलना रहेगा रोज का पाली में, ठीक है। अहं सुखितो होमि, अहं सुखितो होमि। निदुःखो होमि, निदुःखो होमि। अवेरो होमि, अवेरो होमि। अव्यापज्जो होमि, अव्यापज्जो होमि। अनिघो होमि, अनिघो होमि। सब्बे सत्ता सुखी हुन्तु, सब्बे सत्ता सुखी हुन्तु। सब्बे सत्ता अवेरा हुन्तु, सब्बे सत्ता अवेरा हुन्तु। सब्बे सत्ता अव्यापजा हुन्तु, सब्बे सत्ता अव्यापजाय हुन्तु। सब्बे सत्ता अनिघा हुन्तु, सब्बे सत्ता अनिघा हुन्तु। सब्बे सत्ता सुखी अत्तानं परिहरन्तु, सब्बे सत्ता सुखी अत्तानं परिहरन्तु। भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं। भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं। भवतु सब्ब मंगलं। साधु 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 साधु।